देखिए, आज छतरपुर शहर के नामी 20,000 के इनामी बदमाश जाकिर उर्फ जप्फू, जिनके विरुद्ध कई थानों में केस दर्ज है और उसका ईश्वरी प्रसाद जो रसिया जी के प्लॉट पर अवैध रूप से अतिक्रमण तथा उनके बाजू में यूसुफ के प्लॉट पर भी कब्जा करके उसने यहाँ पे अपना अड्डा बना रखा था, उस अड्डे को आज ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर उसके कमरा है, जहाँ पर उसकी ऐशगाह है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है और साथ ही साथ ईश्वर प्रसाद चौरसिया जी और यूसुफ को तत्काल रूप से यहाँ कब्जा दिलाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई है। और मेरे साथ जो कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, जो असली जमीन के मालिक हैं, वो मेरे समक्ष है और उनके समक्ष में बुलवा कर यहाँ कब्जा दिलवाया जा रहा है। अवैध गतिविधियाँ भी सर यहाँ पर की जाएंगी? निश्चित रूप से पुलिस की जानकारी में अवैध गतिविधियाँ यहाँ पर सट्टा जुआ और जो भी आपराधिक गतिविधियाँ हैं उसमें यहाँ संलिप्त वो रहता था, उसकी गैंग यहाँ पर रहती थी, ऐसी पुलिस की सूचना है और उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। गुंडों बदमाशों की तो खैर नहीं, लगातार ऐसी कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से माननीय जिला दंडाधिकारी कलेक्टर महोदय एवं SP महोदय के निर्देशन में जिले से और अनुभाग से इस तरह के अपराधियों गुंडा तत्वों को बाहर किया जाएगा और इसके लिए हर प्रकार की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।